में हमेशा यदि सक्सेस पाना है तो आपको टारगेट पर फोकस करना पड़ेगा। मित्रों एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं मैं आपको टारगेट पर। छात्रों क्या हुआ था एक बार कि भगवान बुद्ध एक बार आराम कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बुद्धा के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि गुरुदेव गुरुजी मैं हमेशा मेरे लक्ष्य को नहीं पा सकता, लक्ष्य पाने में मेरे को बड़ी कठिनाई होती है। तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया और उसे कहा कि जाओ ये मेरे जो मेरा स्वान है इसको घुमा के ला। अब वो व्यक्ति क्या होता है, बुद्ध के स्वान को घुमाने ले जाता है, बोला इसको 2 किलोमीटर घुमा के लिया। जब वो वापस आता है घुमा करके तो हम क्या देखते हैं कि कुत्ता एकदम हाँफ रहा है, ऐसा हाँफता है, लेकिन आदमी एकदम स्थिर था। बुद्ध ने पूछा क्यों भाई ये जो स्वान है ये तो हाँप रहा है और तुम हाँप नहीं रहो, तो इसका क्या रीजन? तो बुद्ध ने बहुत बढ़िया, उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ये जब मैं मार्ग से आ रहा था तो मुझे तो पता था कि मुझे 2 किलोमीटर चल के यहाँ आना है, मुझे तो वापस 2 किलोमीटर चल के यहाँ आना है, मुझे तो पता था इसलिए मैं सीधा आ गया और सीधा आ गया, लेकिन ये जो हमारा स्वान था वो कभी इधर तो कभी इधर, 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 जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हुई और ये लक्ष्य से इस तरह से भटकते भटकते यहाँ पर पहुंचा है, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी लगने के साथ साथ में ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी आने में। तो जीवन का सार बुद्ध ने इसी में समझाया है कि यदि आप एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लो कि मेरे को आईएएस बनना है या मुझे एक बिजनेसमैन बनना है या मेरे को कोई अच्छी एक विधा में सबसे फर्स्ट आना है, मान लो कोई सब हो सकता है, टैलेंट हब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी में कोई भी फर्स्ट आना है, तो आपको उसी एक लक्ष्य को टारगेट करना पड़ेगा, फोकस ऑन टारगेट। यदि आप फोकस ऑन टारगेट रखोगे तो इस आदमी की तरह आप अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आपने टारगेट नहीं करा, बोलो मेरे को आईएएस भी बनना है, मेरे को मेरा बिजनेस भी चलाना है, मेरे को मेरी जॉब भी करना है, मेरे को ये टैलेंट में भी जाना है, सब कुछ करना है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों छात्रों मेरा आपसे एक सीधा सा कहना है, ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट, ऑल द बेस्ट।